जम्मू में कोविड के संक्रमण की जो केसेस की जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल आप सभी जैसे जानते ही हैं कि जीजीएम साइंस कॉलेज में लगभग 35 लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद आज फिर टेस्टिंग चल रही है और अंदर जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और टीचिंग स्टाफ उनकी टेस्टिंग हो रही है। अभी तक बता दूँ सुबह से लेकर लगभग 8 लोग के जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आए हैं, और फिलहाल अभी भी यहाँ पर लगातार जो कोविड की टेस्टिंग है वो जीजीएम साइंस कॉलेज के अंदर चल रही है। ये यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है यहाँ पर टेस्टिंग कर रही है, और इनके आंकड़े के मुताबिक अभी जब हमने इनसे बात की तो लगभग 8 लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हमने नोट किए हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं उनको हॉस्टल के अंदर रखा गया है। वहीं और लोग भी हैं, अभी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, अंदर भी टेस्टिंग हो रही है, और जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें अभी फ़िलहाल अंदर ही रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जीजीएम साइंस कॉलेज में इतने ज़्यादा केसेस आने के बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि कॉलेज को फ़िलहाल बंद रखा गया है। लेकिन इसी कैंपस में जीजीएम साइंस कॉलेज की बैक साइड में यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये हॉस्टल है, तो बिल्कुल इसके ठीक सामने क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आए भी हुए हैं, अभी वॉलंटियरली तौर पर वो यहाँ पर खुद अपना टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इतना हाई रिस्क इस समय जो जोन बना हुआ है, और बिल्कुल साथ में कॉमर्स कॉलेज भी है, वहाँ पे भी वो ऑपरेशनल है, वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है। लेकिन क्या प्रशासन को सिर्फ इसी को बंद करना चाहिए था, ये सबसे बड़ा सवाल है, या फिर इस एरिया को जितने ज़्यादा, क्योंकि आपको पिछले साल के दृश्य याद होंगे, अगर 1 से 2 या 2 से 3 केसेस आते थे तो जहाँ जहाँ वो केस आते थे उसको कंटेनमेंट जोन बनाकर वहाँ पर तारबंदी कर दी जाती थी, टोटल रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती थी। लेकिन जीजीएम साइंस कॉलेज में 35 केस कल, और लगभग अभी तक बताया जा रहा है 8 से 10 केस और आज पॉजिटिव आए हैं। तो और पॉजिटिव आए हैं मतलब कि अभी टेस्टिंग चल रही है, और जब तक टेस्टिंग चलेगी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रशासन क्यों लापरवाह दिख रहा है, और ये बहुत सारे यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी टेस्टिंग करवाई है और करवा के भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? विनीत गुप्ता। आपका टेस्ट हो गया? Okay. नेगेटिव? हाँ। और कितने बच्चों का, मतलब कितने हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं 100-150 बच्चे। 100-150 बच्चा रहता है अंदर। इस तरह का सिस्टम है कि आप लोग दूरी बना के? हाँ। उस तरह से? हाँ। तो कल जब टेस्ट आपके 35 बच्चे यहाँ से आए हैं तो आप लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई थी यहाँ पे? हॉस्टल में, कॉलेज में हुई थी। कॉलेज में हुई थी, तो उसके बाद से अब जो पॉजिटिव आए हैं उनको कहाँ रखा है? उनके लिए आइसोलेशन, आइसोलेट कर दिया है उनको अंदर, पहले रूम तैयार कर दिए हैं। और बाकी मतलब सभी के टेस्ट हो गए हैं, अभी होना बाकी है? हो रहे हैं और चल भी रहे हैं, थोड़े थोड़े चल भी रहे हैं। आप कहाँ के बेसिकली रहने वाले? किश्तवाड़ के हो। तो बाकी प्रिकॉशन अगर हम देखें तो वो SOPs का फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, कर रहे हैं। लेकिन एक साथ इतने ज़्यादा केसेस, मतलब आप लोग अब थोड़ा ऐसा डर लग रहा है कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो आप लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि लगातार केसेस आज भी, कल भी आए थे, आज भी आ गए हैं? वो तो डेफिनेटली बात है कि डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा। आपका क्या नाम है? कौशल। आप मुझे बताओ, ये आपके बिल्कुल साथ में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो एक तरफ तो बंद कर दिया, दूसरी तरफ एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये आपको लगता नहीं है कि इसको, ये सारा ही इसको रोकना चाहिए था इस जगह? हमारा खुद प्रैक्टिकल है सब, अभी 1 बजे अच्छा। हम टेस्ट करवा के वहीं जा रहे हैं, मतलब तो हमने लिखा है सर को, पर वो कह रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मतलब प्रैक्टिकल आप दे दो, कोविड अगर आपको इन्फेक्टेड होते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, जो इन्फेक्टेड होगा तो उसको तो रोक लिया जाएगा यहाँ पे, बट हाँ अगर आज टेस्ट नहीं होते, अगर ये टेस्ट आज नहीं हुए हो तो जो बच्चे प्रैक्टिकल देने गए, हाँ। और इनमें से जो 2 बच्चे निकले हैं अभी, तो वो तो वहाँ जाके शोरली उनके भी प्रैक्टिकल होने थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, पिछले साल आपको याद होगा जब कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, और आप लोग भी सुनते होंगे कि जहाँ पर केस आता था वहाँ तारें लगा दी जाती थी, इस तरह से कर्फ्यू टाइप का माहौल, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा ब्लास्ट, कल का भी 35 केस हैं, अभी भी 8-10 केस हो गए हैं, तो यहाँ तो इस तरह से लग नहीं रहा कि कोई सख्ती, आपको लग रहा है यहाँ पर कोई इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सैनिटाइज करने के लिए कोई आया सैनिटाइज करने के लिए गाड़ी? सर ऐसा तो कुछ देखा नहीं अभी इतना। आपके हॉस्टल को सैनिटाइज किया है जब कल से जब केसेस आए, उसके बाद कोई आया? प्रॉपरली हम खुद ही, मतलब खुद ही से, लेकिन ऐसे नहीं उसके कैंपस को सैनिटाइज नहीं हुआ? नो सर, अभी तक कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं आया? नहीं आया सर। और मतलब लोग भी आ जा रहे हैं, क्योंकि ये साथ में क्लस्टर का चल रहा है, यहाँ के बच्चे भी आ रहे हैं? यस सर, इतना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये बच्चे यहाँ पर हैं, और सबसे बड़ी बात सैनिटाइजेशन बाजारों में जहाँ पर केस आते हैं वहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि देख रहे थे पहले कि वो हो रही थी, लेकिन अब कहाँ है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? कल से जब केसेस आए, हालांकि कोई इस तरह के विजुअल नहीं, कोई बच्चों को भी पता नहीं है, हालांकि वो खुद अपने जो उनके पास सैनिटाइजर्स हैं उससे लगातार वो अपनी सेफ्टी जो है उसको इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन
जो बाकी यहाँ पर जो कैंपस है, या फिर अगर हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर हम कॉमर्स कॉलेज की बात करें, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं और बच्चों की मजबूरी भी है, उन्होंने प्रैक्टिकल्स भी देने हैं और यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं फिलहाल ये भी टेस्टिंग करवा रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि अभी के दौर में जिस तरह से रिस्क बना हुआ है और ये दूसरा स्ट्रेन जो कोविड का बहुत ज़्यादा इस समय जो है घातक भी है, तो जैसे जैसे लोगों को डाउट हो रहा है या फिर वो इस चीज़ में थोड़ा सा खुद को इंश्योर करना चाहते हैं कि क्या हम कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, जिस तरह से इन्फेक्शन लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्लस्टर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। और हॉस्टल के अंदर की बात करें, GGM साइंस कॉलेज के हॉस्टल से फिलहाल 8 से 10 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आज भी पाए गए हैं और अभी भी रैड टेस्ट जो है वो चल रहा है फिलहाल, लोग ये छोटे छोटे बच्चे भी करवा रहे हैं। ये दृश्य साइंस कॉलेज के हैं और कहीं ना कहीं जो पहले जिस तरह से बहुत ज़्यादा मेजर्स जो हैं उनको फॉलो किया जाता था, कंटेनमेंट जोन बना दिए जाते थे, हालांकि कल जिस तरह से डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तमाम जो नए अभी जो रिसेंटली जो चेंज हुआ है पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी बात रखी, बताया कि काम किस तरह से हो रहा है, लेकिन जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की गई कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे स्थिति को देखते हुए, कल जो है 300 से ज़्यादा केसेस जम्मू डिवीज़न में आए हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस का आंकड़ा बढ़ा है। आज भी केसेस जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर यहीं पर टेस्ट कराना जो है वो उसको जारी रखा गया है GGM साइंस कॉलेज के अंदर। यहाँ पर हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं 100 से 150 बच्चे हैं, उनकी टेस्टिंग हुई है, टीचिंग स्टाफ है उनकी टेस्टिंग हुई है, और जो बिल्कुल साथ में क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रैक्टिकल्स देने या एग्ज़ाम देने जो बच्चे आ रहे हैं वो भी वॉलेंटियरली तौर पर आ रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। और शॉकिंग बात यह है कि उनमें से भी 2 बच्चे पॉजिटिव आए हैं जिन्होंने टेस्ट आज प्रैक्टिकल अपना देना था क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। अभी भी 1 बजे बच्चों ने बताया कि 1 बजे वो उनके एग्ज़ाम होना है प्रैक्टिकल, लेकिन क्या ये स्थगित नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर ये तो खुद टेस्ट करवाने आ गए वॉलेंटियरली तौर पर, अगर कंपलसरी किया जाए फिर तो और ज़्यादा कहें कि इस जो एग्ज़ाम है नहीं तो इनको डिले करना चाहिए, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है GGM साइंस कॉलेज में, और जो रिस्क में है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें वहाँ पर जो लगातार कोविड के केसेस आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और यकीनन जिस तरह से आज बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो आंकड़ा बढ़ना जो है ये लाजमी है। मैं बात करना चाहूँगा कुछ लोगों, क्या नाम है सर आपका? जी मैसेल प्रोफेसर राजीव। प्रोफेसर आप मुझे बताइए कि 35 केस कल आए, अभी भी 8 से 10 लोगों का आंकड़ा आ चुका है जो पॉजिटिव है, तो मतलब इसको कंटेनमेंट जोन बना के बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए, अगर आपको आपको लगता नहीं पिछली बार की तरह ही उस SOP को फॉलो करना चाहिए? जी देखिए, जब कल टेस्ट करवाए थे 410 लोगों के टेस्ट करवाए गए थे, स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्टाफ मेंबर्स, तो उसमें 410 में से 30 से 35 लोग जब पॉजिटिव पाए गए हैं तो उसमें 2 दिन के लिए क्लास वर्क को सस्पेंड किया गया है, प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर निकाला हुआ है, तो ऐसे भी सैटरडे संडे को ऑफ रहता है हमारा कॉलेज, तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या रहता है इसका। लेकिन सर आज भी टेस्टिंग हो रही है और साथ में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का आपका यहाँ पे एडमिन ब्लॉक भी है और एग्ज़ाम के लिए भी बच्चे हैं। एक्चुअली हमने जो टेस्टिंग रखी हुई है वो हॉस्टल के कैंपस में रखी हुई है, तो क्योंकि यहाँ हॉस्टल में कुछ बच्चे स्टे कर रहे हैं तो हमें लाजमी है कि उनका भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो दो बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, अब उनको मतलब सेल्फ आइसोलेशन में भेजा जाएगा। लेकिन तो सो दैट क्योंकि हमें जैसे बच्चों ने बताया कि जिनके ऑन जो प्रैक्टिकल थे वो भी बच्चे वो पॉजिटिव आए हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वो खतरा, क्योंकि अभी भी 1 बजे एग्जाम है, इसको डिले करना चाहिए आपको? बिल्कुल क्लास वर्क है वो सस्पेंड किया गया है, इसी को देखते हुए क्लास वर्क को सस्पेंड किया गया है, जो मेजर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है। सर सैनिटाइज के लिए क्या कुछ यहाँ प्रशासन के लिए म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से टीम आई हुई है, जैसे ये वाला जो टेस्टिंग का प्रोसेस कम्प्लीट होता है विद इन हाफ एन आवर वो टीम आई है, वो टीम सैनिटाइजेशन करेगी, पूरे कॉलेज में करेगी और पूरे हॉस्टल में करेगी। और कल भी जब टेस्ट करवाए थे उसके बाद हमने ओल्ड हॉल में न्यू हॉल में हमने टीम को बिठाया हुआ था जहाँ टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, वो हमने उसी टाइम सैनिटाइजेशन करवा दी थी, तो फिर भी हम वीकली
तीन चार बार रोज हम सैनिटेशन का प्रोसेस चलाते हैं सो दैट प्रॉपर एसओपीज को फॉलो किया जाए। लेकिन सर आपको लगता है स्कूल्स को बंद किया तो कॉलेजेस को भी थोड़ा सा इसमें बंद करना चाहिए क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं? देखो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो भी बोलेंगे वो हम उसको फॉलो करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये प्रोफेसर साहब हैं जो कि यहाँ पर बच्चों के साथ पूरा मुआयना यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ, मुआयना कर भी रहे हैं और टेस्टिंग का पूरा जायजा भी ले रहे हैं क्योंकि मेडिकल की टीम है और लगातार अगर पीछे भी देखेंगे मेरे साथ ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कैंपस की तरफ से जो लोग हैं ये लगातार आ रहे हैं अपने टेस्टिंग कराने के लिए वॉलेंटियरली तौर पे। और फिलहाल आज के आंकड़े के मुताबिक मैं बता दूं जो आज टेस्टिंग चल रही है फिलहाल उसमें 10 लोग जो है वो और पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कल के मिला के 35 और अभी के आंकड़े के क्योंकि अभी और टेस्ट लगातार चल रहे हैं तो 10 लोग और GGM साइंस कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक से जो है कोविड पॉजिटिव आए हैं। और ये कोविड का आंकड़ा आज जब शाम को आएगा तो यकीनन इसमें हम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ाई गई है और प्रशासन ने यह कहा कि हम मुख्य बाज़ारों में, कॉलेजेस में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत सही हो रही है, जहाँ पे हमें रश लग रहा है तो हम वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। और टेस्टिंग के नतीजे ही ये आ रहे हैं कि कोविड संक्रमण के जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा कल की PC के बाद, यही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने जाहिर किया था। उन्होंने ये बताया था कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और लोगों को लगातार अपील की जाएगी। और हालांकि जहां पर अगर कोविड SOPs का जो है फॉलो नहीं किया जाएगा तो वहां पर अगर पुलिस को थोड़ी सख्ती करनी पड़ी तो वो सख्ती भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इस समय प्रेफरेंस यही इस चीज़ को दी जा रही है कि संक्रमण को फैलने से कम किया जाए। और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, ये कम कोविड इन्फेक्टेड हों इसका ख्याल दिया जाए। लेकिन फिलहाल केसेस में बढ़ोतरी लगातार जारी है। डिजनेस पवन शर्मा के साथ क्वाइश पटेल।